नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। दर्शकों, अलगाववादी नेताओं खासकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के बीच हम देख रहे हैं कि जो अंदरूनी लड़ाई है और आपसी फूट है वो अब जग जाहिर हो चुकी है। पिछले दिनों ही सबने देखा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई उनमें दोनों गुटों के समर्थकों ने आपस में जमकर गाली गलौज किया और एक दूसरे पर कुर्सियां भी उछाली। तो वहीं अभी पिछले दिनों ही खानियार स्थित दस्तगीर साहिब के दरगाह में आग लगने के बाद जब अलगाववादी नेता वहां पहुंचे तो लोगों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया और यहां कि उनके मुंह पर कालक भी पोती। तो अलगाववादियों की जो फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है और साथ ही साथ कश्मीर घाटी में जो इस समय हालात बने हुए हैं, आज के हम इस अंक में इसी पर चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, मेरे दाएं तरफ है डॉक्टर मुमताज हुसैन शाह बुखारी, सीनियर पीडीपी लीडर फ्रॉम सुरनकोट और रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ। ठीक उनके साथ हैं डॉक्टर अग्निशेखर, फाउंडर कन्वीनियर पनून कश्मीर और प्रोमिनेंट राइटर। और मेरे बाएं तरफ है अब्दुल गनी कोहली, सीनियर लीडर कांग्रेस। और ठीक उनके साथ हैं एडवोकेट बीएस अलाथिया, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जम्मू और कांग्रेस लीडर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। सलाथिया साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो घाटी में अलगाववादी नेताओं की अंदरूनी लड़ाई जो सामने आई, अंदरूनी फूट जो सामने आई, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? देखें, जो आपका टॉपिक है, यहाँ तक अंदरूनी फूट हुर्रियत की का तल्लक है। बेसिकली एक वक्त आ जाता है जब आपका एजेंडा जो आप प्रोजेक्ट करते हैं और उसको कैरी करने में जब तकलीफात आती हैं या कि वो फैक्ट्स पर या वाकयात पर मुबनी नहीं होता, तो उस समय ये ऐसे हालात बन जाते हैं। फिर ये आपस में रसा कशी, एक दूसरे को ब्लेम करना, ब्लेम लगाना, ये गेम शुरू हो जाती है। बेसिकली कश्मीर में 47 के बाद जो ज़रूरत थी कि जब महाराजा ने असेशन कर दिया अनकंडीशनल, तो उसको लोगों को इंडिया के साथ जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए थी। मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ ने अपने तरीके से प्रोजेक्शन की, जिनको हम सेपरेटिस्ट कहते हैं, इन्होंने अपने तरीके से की, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा जो 47 टिल डेट कोई फ्रूटफुल बात सामने नहीं आई। तो अब लोग इस बात से कि दहशतगर्दी आम आदमी का हर समय एक दबाव उसके दिमाग पर कि भाई मैं घर से बाहर जाऊंगा, पता नहीं वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में रुकावट आई, तो ये सारी बातें जो हैं यही कारण बन रहा है बाय एंड बाय। और लोग भी समझ रहे हैं कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्शन की गई कि कश्मीर प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी ने अपने अपने तरीके से की, लेकिन लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम अब उनको इस बात की इत्मीनान हो रहा है कि ये जो लोग कह रहे हैं ये बेसिकली इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है जी। इनके कहना कुछ है, करते कुछ हैं। आम तौर पर एक दूसरे को ब्लेम है कि एक कहता है ये हिंदुस्तानी एजेंट है, दूसरा कहता है ये किसी एजेंसी का आदमी है, तीसरा कुछ कहता है। तो इस किस्म की जो बातें हैं ये तभी होती हैं जब आप लोगों को एक ऐसी लीडरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा उनको आइडियोलॉजी से प्रीच कर रहे हैं जो ना लोगों के बेनिफिट की है, ना सोसाइटी के बेनिफिट की है, और ना ही उससे ऐसी सोसाइटी ऐसी सोच से कोई डेवलपमेंट होती है। इसलिए ये यकीनन है कि इनमें ऐसी बात होगी। कोहली साहब, आपका क्या मानना है कि पिछले काफी दिनों से जो अलगाववादियों खास करके हुर्रियत के दोनों गुटों में आपसी टकराव देखा जा रहा है, आप क्या कारण मानते हैं उसके पीछे? मैडम, ऐसा है कि जब जब भी कोई तारीख शुरू होती है एक एजेंडा होता है। जैसे सलाथिया साहब ने कहा, एजेंडा जो सामने है उसमें हम बात कुछ करते हैं और हमारा अमल कुछ होता है जी। और अमल इस हद तक लोगों को पता है, वो कुछ भी करें, वो एक मोर लगी है हर एक लेटर पे। मैं नहीं उसमें ज्यादा तफसील बताऊंगा, चाहे वो हुर्रियत के लीडर हों, चाहे वो मलिक साहब हों, शबीर साहब हों, जो भी साहब हों जी, जो लोगों के सामने नक्शा है, जो हम भी आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, कहते हैं अमृत देखा तो नहीं पर सुना तो है जी। तो उसमें
करने में और कहने में बड़ा फर्क है। और आजकल के दौर में हर एक आदमी को पता है हु इज हु, कौन क्या है जी। तो जब 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कश्मीर के लोगों में इलिटरेसी थी, तालीम नहीं थी, तो जहाँ किसी लीडर ने कह दिया वो चले गए जी। उनको नारा दिया गया, जैसे शेख साहब आए एक नारा था, 53 में जब उनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया दूसरा नारा हो गया, फिर जब उनको रहा किया गया एक तीसरा नारा आ गया। यानी हर मोड़ पे हमारी जो पॉलिसी है वो तब्दील होती रही। अब लोगों के सामने एजेंडा क्या आता है, मुख्तलिफ लीडर हैं कश्मीर जी, लीडरशिप जो है कश्मीर की वो कश्मीरियों की है। तो एक लीडर ने यह रास्ता दिखाया, दूसरे ने यह दिखाया, तीसरे ने यह दिखाया, अब लोग किसके साथ हैं। एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि 40 लाख जो लोग हैं या कश्मीर में जितने भी पॉपुलेशन है किसके साथ है, तो एक ने कहा मेरे साथ भी हैं, दूसरे ने कहा मेरे साथ भी हैं, तीसरे ने कहा मेरे साथ भी हैं, हकीकत क्या है वो खुदा जाने जी। तो कहने का ये मतलब है कि ये अपनी लाइन पे कोई भी लीडर जो देखिए चौधरी गुलाम अब्बास यहाँ से 47 में पाकिस्तान जाता है, मैंने छोटी सी उसकी बुकलेट पढ़ी है, उस आदमी का एक नज़रिया था। जब जहाँ महाराजा के खिलाफ बात हुई उसका एक नज़रिया था, जहाँ से पाकिस्तान जाता है आज़ाद कश्मीर का सदर बनता है जी, उसका एक नज़रिया था। जब हुकूमत पाकिस्तान के और उसके खिलाफ हुए उसने कुर्सी को लात मारी और छोड़ दी। हिस्ट्री तो नहीं उनको भूलेगी जी, क्योंकि जो बात जो नकूश उन्होंने छोड़े हैं अपने असूल के वो हमेशा हमेशा याद रहेंगे। यही बात यहाँ नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। कुल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलगाववादियों के कहने पर जहाँ पहले लोगों द्वारा कोई भी कॉल दी जाती थी तो लोगों द्वारा भी उसका समर्थन दिया जाता था, लेकिन अब बार बार अलगाववादियों द्वारा चुनाव का बायकॉट करने के बाद भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा लिया, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, विधानसभा के हों या पंचायती चुनाव हों, तो क्या इस वजह से तो नहीं अलगाववादी दुविधा में पड़ गए हैं? देखिए, इससे पहले एक इम्प्रेशन था लोगों में भी कि जो जो ये हमारे लीडर कॉल देते थे तो ये प्रैक्टिकली कंप्लीट बंद हुआ करता था। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मैं खुद कश्मीर में रहा हूँ, कुछ लोग समझते हुए भी मजबूरन चलते थे जी। दिल की बात नहीं होती थी, तो ये दिल की बात है ना कभी समय आता है कि निकलती है और फिर हकीकत की बात आती है। तो अब हकीकत की बात जो आस्ता आस्ता लोगों के सामने आ रही है, कहने और करने में फ़र्क है, तो तभी तो वो असर नहीं है जो पहले हुआ करता था जी। डॉक्टर अग्निशेखर, आप घाटी से बिलोंग करते हैं और आपने वो 90 का दौर भी देखा है और आज का दौर भी देखा है, आज के परिपेक्ष में अगर हम घाटी के दौर की बात करें और उस दौर की बात करें तो किस तरह से आप देख रहे हैं जो अभी सिचुएशन बनी हुई है? रेखा जी, तब एक वो दौर था जब बंदूकें बोलती थी सीधे सीधे, दहशत का अलग पैटर्न था और वो पैटर्न हम सब लोग जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। आजकल फोकस टैक्टिकल चेंज आ गया है उस सारी स्ट्रेटजी में, चाहे आप टेररिज्म को मैनेज कर रहे हैं या कंटेन कर रहे हैं उसमें चेंज है, खुद सेपरेटिस्ट की पॉलिसी में कंट्रडिक्शंस उभरे हैं जिसकी तरफ अभी इशारा किया जा रहा था। आप ये देखिए, जब हुर्रियत बनी तब एक बहुत ही सेलिब्रेशन के मूड में सारा कश्मीर आ गया था, जो कश्मीर की आवाम थी। फिर हुर्रियत टूटी, वो एक सदमा था जी। अब हुर्रियत के टूटने के बाद एक सैयद अली शाह गिलानी वाला गुट अलग हो गया, जो खुल्लम खुला कहते हैं पाकिस्तान को लेकर के, उनके मन में कोई दो राय नहीं है जी। उन्होंने ये कहा सीधे सीधे कई बार कहा कि ये आज़ादी बराए इस्लाम है, ये लड़ाई जो है इस्लाम के लिए है, आज़ादी बराए इस्लाम, हम पाकिस्तानी हैं, इट शुड गो टू पाकिस्तान। उनके उनके मन में कोई दो राय नहीं है। जिस हुर्रियत गुट के नेता ऐसे सोच रखने वाले साफ गो आदमी सैयद अली शाह गिलानी हों, इनका सोच और इनके पैरोकार और इनके मिलिटेंट ग्रुप्स, उनकी एक सोच अलग है जी, प्रो पाकिस्तान से सीधे सीधे। यहाँ जो है ये जो जिनको मॉडरेट आप कहते हैं, इनका फोकस लोकलाइज रहा और दोनों में पीछे ISI है, और ISI एक बहुत फैक्टर है कंट्रडिक्शन उभारने में, जो प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब ने अभी उभारा पीछे, उन्होंने ये बहुत बड़ी मार्के की बात कही, कब तक और कहां तक, कब तक और कहां तक हम ISI के जरिए गाइड होते रहेंगे जी।
दूसरा कंट्रडिक्शन उन्होंने जो उभारा है बहुत पते की बात है, जिससे अब देखेंगे कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात पाकिस्तान अमेरिका के साथ इतने खराब हैं कि अमेरिका ड्रोन अटैक कर रहा है और बहुत ही उनके हिसाब से काफ़ी एग्रेसिव मूड में है और ताल्लुकात उनके खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं, उसके बाद भी पर्दे के पीछे जी। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ बात कर सकता है तो ISI हुर्रियत को, सेपरेटिस्ट को ये डायरेक्ट क्यों करे कि आप लोग इंडिया के साथ बात मत करिए। ये उन्होंने उबारा है, दूसरा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने। तीसरी बड़ी बात उन्होंने जो कही हमको ध्यान में आना चाहिए, जब कोफी अनान पाकिस्तान आए थे और उन्होंने पाकिस्तान में बहुत मार्के की बात कही कि ये जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं ये रिडंडेंट हैं। यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं अपने घनी भट्ट ने कह दिया ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है जी। इनका टाइम हो चुका है, जा चुके हैं। अब अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत सुनहरी मौका था उस वक्त इस बात को उबारने और उछालने और कश्मीरियों को, कश्मीर जो आजादी या पाकिस्तान का, उनको बताने का, भैया जिसको तुम बेस बना रहे हो आपकी बेस जो है रेत की बेस है, वो निकल चुकी है आपके हाथ से। ये प्रोफेसर घनी भट्ट ने दूसरा पॉइंट उठाया, उन्होंने फिर रिपीट उसको किया कि जिसको लेकर के हम प्लेबिसिट की मांग कर रहे हैं आजादी की, वो उसका बेसिस ही नहीं है, नॉन इम्प्लीमेंटेबल है। तीसरा उन्होंने कहा मुझे मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज, प्रो इंडिया पार्टीज के साथ भी काम करने में कोई एतराज नहीं। चौथी बड़ी बात उन्होंने जो प्रोफेसर घनी भट्ट ने कही कि उन्होंने पहले भी कही थी कि मौलवी फारूक और उन जैसे कई जो हमारे सेपरेटिस्ट नेताओं हैं, दे वर किल्ड बाय आवर ओन बॉयज। तो अब आप हुर्रियत में हैं, पाकिस्तान आपके पीछे है, आप आजादी मांग रहे हैं, आप पाकिस्तान मांग रहे हैं, और आपके अंदर कब तक आप सच्चाई को छिपाए रखेंगे? सच्चाई जो है, सच्चाई इतनी तल्ख है कि किसी ने हिम्मत की उसमें, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब ने हिम्मत की। उसी में थोड़ा और एक मिनट लूंगा आपका, इसी पस मंजर में आप देखिए मौलवी अंसारी साहब जी हुर्रियत के, उनको साइडलाइन किया गया। और ये जो अंदर अभी शबीर शाह है, नईम खान, जितने भी ये लोग हैं, तो इनके अंदर एक कंट्रडिक्शंस हुए हैं। उस सारे कंट्रडिक्शंस को वर्ड जब दिया है, एक्सप्लेनेशन दी है प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने। इंसिडेंटली मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ सोपोर डिग्री कॉलेज में, मैं उनको एज टीचर भी जानता हूँ, वो कितने होशियार हैं, और ताजुब भी करता था कि उस जैसा सेक्युलर और उस जैसा बहुत ही आदमी हुर्रियत में कहाँ चला गया। ताजुब की बात ही छोड़िए उसको, लेकिन उन कंट्रडिक्शंस को, चाहे थकावट को, चाहे रियलाइजेशन को, वर्ड देने वाले प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कहा कब तक और कहाँ तक, इस पर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो ये चीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं कब तक और कहाँ तक खाली प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की आवाज़ नहीं है जी। ये आम आवाम जो कश्मीर का मुसलमान है, जो आज़ादी या पाकिस्तान के उसमें है, शायद उसमें बहुत बड़े तबके की बात उन्होंने कह दी है कब तक और कहाँ तक जी। बुखारी साहब आपसे जाना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये जो अलगाववादी घाटी में इन्होंने घाटी के नौजवानों को मजहब के नाम पर गुमराह करके एक गलत रास्ते पे डाला और कई सारे नौजवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, तो क्या ये जो फ्रस्ट्रेशन अभी अलगाववादियों में देखी जा रही है कहीं ना कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं कि घाटी के लोग, युवक अब उनकी मंशा को जान चुके हैं? मैं कहूँगा इस सेंस में कि कश्मीर एक मसला है जो हल तलब है, एक सियासी मसला है, और हमें ये मान लेना चाहिए कि जितनी भी ये उलझने हैं, जब तक इसका मसले का कोई हल नहीं निकलेगा, ये बुनियाद प्रस्त लोग जो हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे जे के लिबरेशन फ्रंट वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये चलेंगी। बेसिकली इसमें बैक में कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं जो इन हुर्रियत को, इन दूसरे लोगों को, दे आर एडिंग फाइनेंशियली अदरवाइज आल्सो। आपने सुना होगा JKLF के पाकिस्तान ने जो वेपन आए थे वो ट्रकों के ट्रक जब्त कर लिए थे कि पाकिस्तान वांट्स के कश्मीर शुड गो विद पाकिस्तान। बेसिकली अभी हुर्रियत जो मेरे साथी ने कहा डायरेक्टली, वो नहीं कहते कि पाकिस्तान, दे वांट के प्लेबिसाइड होना चाहिए जो अली शाह गिलानी सब कह रहे हैं। तो मेनली जो इसमें कंसेप्ट जो बैक में आया है कि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने, ग्रेटर कश्मीर, जिसमें, क्योंकि मेरी सरदार कयूम से बात हुई, दो बार आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, दैट
एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि हम इसको एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाना चाहते हैं। और ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था उन दिनों, उन्होंने कहा सरदारों ने तो गलत किया कि हथियार नहीं उठाने चाहिए थे, ये तो पीसफुल एजिटेशन होना चाहिए था अगर उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ये मुहिम जो है एक वेपन में कन्वर्ट हो गई, ये अलग बात है। लेकिन बेसिकली इसमें यह नहीं था कि मिलिटेंसी फैलाई जाए, बल्कि एक पीसफुल एजिटेशन किया जाए और कश्मीर के मसले को उभारा जाए और इसको इंडिपेंडेंट किया जाए। अब इसमें अब मैं महसूस करता हूँ कि ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट लोग जो जिनके पास काफ़ी पैसा है फॉरेन कंट्री से आ रहा है जो पैसा, कहीं ना कहीं इनकी उलझन उस पैसे पे भी हो सकती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। आई नो हमारे इलाके में भी लोग हैं, फर्ज करो मैं अगर एक वर्कर हूँ वहाँ का, मुझे अगर 1 करोड़ रुपया दिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मैं आगे अपनी फैमिली को बांट दूँ तो उसमें इख्तलाफ आ जाते हैं। इन चीज़ों बहुत सारे फैक्टर हैं इंटीरियर जो इनमें इख्तलाफ आए, इनकी ओपिनियन में, इनकी वर्किंग कंडीशन में, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, और मेनली जो मास स्केल किलिंग हुई, अननेसेसरी वेस्टेड ऑफ टाइम प्रॉपर्टी लाइफ, इन्हीं की वजह से हुआ। इनके फैमिलीज जो हैं, बच्चे जो हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे, बेचारा गरीब कश्मीरी यहाँ मारा जा रहा है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो बेगुनाह टारगेट बन रहा है। तो ये सब चीजें तो क्या ये कश्मीर घाटी के लोग अब इनकी मंशा को जान चुके हैं, तभी इनका जो जनाधार है वो बड़ी तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, आप महसूस कर रहे हैं, कश्मीरी भी महसूस कर रहे हैं कि इनका जो अप्रोच है वो अच्छा नहीं है, अप्रोच जो है रॉन्ग है। इस किलिंग से बेगुनाह लोगों को, कश्मीरी 6 महीने कमाता और 6 महीने खाता था बेचारा, और आज वो बिल्कुल ही एक बैगर की तरह मांगने वाला बन गया है। ये कश्मीरी पंडित माइग्रेट हुए, इनका क्या हाल हुआ? वो जहाँ जो कश्मीरी हैं उनकी वर्स कंडीशन है इनसे भी ज़्यादा, क्योंकि उनका हैंड टू माउथ रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कंबाइंड होकर ब्लेम लगता है इन ऑर्गेनाइजेशन पर जिन्होंने इनको मिसगाइड किया। भाई साहब, अभी आपने कहा कि लोग भी जान चुके हैं अब इनकी मंशा क्या है, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो जब भी ये कॉल की एक कॉल देते हैं, बंद की कॉल देते हैं या हड़ताल की कॉल देते हैं, तो उसका असर भी देखा जाता है। तो फिर क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अभी भी इनको लेकर एक डर है? नहीं, उसमें कुछ सॉलिड ग्राउंड्स होते हैं। फर्ज करो ये ज्यारत जो जल गई, एक सॉलिड रीजन है, कोई भी कॉल देगा दे विल कम एंड गो ऑन स्ट्राइक। इसी तरह कोई बेगुनाह किलिंग होती है, फर्ज करो आई वॉन्ट हेसिटेट के 120 या 25 जो स्टोन थ्रोइंग पे किलिंग हुई वो हम कंडेम करते हैं उसको, वो नहीं होनी चाहिए थी। उस पर तो लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो किसी जगह के लोग भी उस पर यूनाइट होकर आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि एक सोल्यूशन ऑफ इसका हल जो कश्मीर का आए। हमने एज पीडीपी लीडर, हमने मैं कहूँगा कि हमने एक सेल्फ रूल दिया है इसके लिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग आज़ादी मांग रहे हैं जी, जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जम्मू के लोग भी हैं इसमें, लद्दाख के भी हैं। हम कहेंगे खाली 50-60 लाख को हम आज़ादी देंगे, बाकी कहाँ छोड़ेंगे, या वो भी पार्ट है, वो भी इसी के साथ है। तो इसका एक, हम नहीं चाहते कि वही इम्प्लीमेंट हो, लेकिन हम उसमें ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक सोल्यूशन हमने बताया है जो सेल्फ रूल है, उसमें हमने ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए या उसमें चेंजेस भी लाए जाएं, कुछ ऐड भी किया जाए, तो कश्मीर एक मसला है, हल तलब है, हल हो सकता है। ये सब मसले जो हैं इनको हम, जैसे नरसिम्हा राव ने कहा लेस देन आज़ादी स्काई इज द लिमिट, कश्मीरियों को मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो जब ऐसा अगर कमेंट्स किसी प्राइम मिनिस्टर ने दिया है तो अच्छी बात है, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, हमें खतरनाक नफरत थी, ये कांग्रेस वाले बैठे हैं, इन्हीं ने क्रिएट की हुई थी ज़्यादा, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस है आज भी। तो वो बस पे बैठ के चले गए पाकिस्तान, उनका 50,000 आदमी ने वेलकम किया कश्मीर में, बीजेपी जिससे मुसलमान हिंदुस्तान का आज भी डरता है, लेकिन कश्मीरी खासकर, लेकिन वो तो बेस्ट गवर्नेंस थी उस वक्त। तो पाकिस्तान चले गए, रास्ते खुले, या जिस रास्ते से बम आते थे आज वहाँ से तजारत हो रही है, लोग आ जा रहे हैं, कुछ जो जिंदा है उनको हम मिलने गए, जो मर गए उनके कब्रों पर गए, क्या फर्क पड़ा उससे। सो ये चीजें जो सख्ती जो है बेसिकली, अब जमहूरियत में जो सख्ती है, हम अगर रास्ते और भी खुलें और लिबर्टी हो, लोग आए जाएं, मिलें जुलें, पाकिस्तान से और रिलेशन कायम किए जाएं, इनकी इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल खत्म हो जाती है ना हुर्रियत वालों की, दे स्टैंड नोवेयर। सो इनको तो मौका मिल रहा है, जब हम सख्ती करते हैं इंडिया पाकिस्तान आपस में बात नहीं करेंगे, इनको और लोग उबारेंगे और इनके पीछे चलेंगे। ये चीज़ें हैं, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो इस वक्त को
इनकी पोजीशन जो है इस वक्त वीक है बड़ी। जी सलाथी जी, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इन अलगाववादियों ने हमेशा यही प्रयास किया, यही दर्शाने की कोशिश की कि घाटी में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो बढ़ चढ़ कर लोग उनमें भाग ले रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो ये कोशिशें करते रहे हैं उनमें अब ये फेल हो रहे हैं, या अब भी इंटरनेशनल लेवल पर इनको सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, देखें यहाँ तक इस सोच का तल्लक है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। मेरा ख्याल है 96 के बाद, मुझे याद है जब 96 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो उस समय मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी अपनी एनसी। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, बीजेपी ने किया, एनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उस वक्त इवन जनता दल ने पार्टिसिपेट किया, मकबूल डार अनंतनाग से जनता दल के एमपी बन गए, कार साहब बारामूला से बने, अनंतनाग से बने, मतलब ऐसे 6 एमपी बन गए, उसमें बीजेपी के भी थे, 4 कांग्रेस के थे, 1 जनता दल और 1 बीजेपी। जब इन लोगों ने, इस लीडरशिप ने ये देखा कि इलेक्शन तो हो गए, मतलब पार्लियामेंट की इलेक्शन, नरसिम्हा राव जी डिटरमाइंड थे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जेएनके में होना चाहिए, बड़ी देर हो गई थी उस समय गवर्नर रूल लगे हुए। जब ये देखा इन्होंने कि ये पार्लियामेंट की इलेक्शन हो गए, एमपी भी बन गए, तो हम तो पीछे रह गए। अगर ये उस समय इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, फिर भी असेंबली इलेक्शन होनी थी। तो जब असेंबली इलेक्शन 96 में हुई, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 2002 में उससे भी ज़्यादा किया, आज 2008 में जो इलेक्शन हुई उससे भी ज़्यादा लोगों ने किया, पंचायत की इलेक्शन हुई। क्वेश्चन ये है, मुझे अफसोस लगता है कश्मीर की लीडरशिप पर, जिसने वक्तन फवक्तन लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं किया। आज भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज कहती हैं कश्मीर प्रॉब्लम, क्या है कश्मीर प्रॉब्लम? सोचा जाए कश्मीर प्रॉब्लम है क्या, क्रिएट किसने की है? 1947 में जब असेशन हुआ, प्लेबिसाइट फ्रंट बना, प्लेबिसाइट फ्रंट किसने बनाया? वही प्लेबिसाइट फ्रंट 75 में, जिसको वन मैन जस्टिस मुर्तजा फजल अली हमारे सुप्रीम कोर्ट जज थे, उन्होंने वन मैन ट्रिब्यूनल होकर के उसको बैन कर दिया। मैंने वो पूरी जजमेंट पढ़ी है जी। उस जजमेंट में अगर आप ये देखें कि क्या क्या बयानात हुए हैं, वहाँ कश्मीरी पंडितों का इतना अच्छा रोल है, उन्होंने बिल्कुल ट्रू बयान दिए हैं, हमारे पुलिस वालों ने फर्स्ट क्लास बयान दिए। लेकिन कुछ लोगों के बयान किसने दिलाए? मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने। ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हुर्रियत की तरह जब इनको रियलाइजेशन आ गई कि कश्मीर इज़ नो प्रॉब्लम, यहाँ के लोग हिंदुस्तानी हैं और इसको हिंदुस्तान के साथ जोड़ना है, मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज देखें बदकिस्मती क्या है, ये जो श्राइन का हुआ, मैं श्रीनगर था उस दिन, मैंने ये देखा, मेरी कोशिश थी, एक्चुअली मैं जानता नहीं था ये श्राइन है कहाँ, लेकिन खैर वहाँ जहाँ मैं ठहरा था वहाँ लोगों से पता चला, कुछ पॉलिटिकल लोग भी मिले, कुछ जुडिशल ऑफिसर से मुलाकात हुई, मैं हाई कोर्ट में गया तो ये पता चला कि ये जो स्ट्राइक है, ये पहली स्ट्राइक थी कश्मीर में जो किसी नेगेटिव पॉलिटिक्स पर नहीं थी। लोगों को इस श्राइन की इतनी मान्यता थी कि लोगों को बहुत दुख हुआ इस बात का। अब इस बात पर भी अगर कोई पॉलिटिक्स करे, आज मैंने बयानात पढ़े कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप के, अगर हम ऐसी बात पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें और पैटी पॉलिटिक्स खेल के पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहें, तो ये हम लोगों की ऐसी लीडरशिप बदकिस्मती है हमारी। कम से कम मेरा ख्याल है आज कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ देखें, फारूक साहब एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी बड़ी मान्यता है इस बात की, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इस बात को मानते हैं, मुफ्ती साहब पीडीपी के हैं, वो भी मानते हैं कि ये बड़ी एक रेवर्ड श्राइन थी। हमें सबको इस बात का दुख है, मैं जाति तौर पर ये समझता हूँ कि इतनी पुरानी श्राइन, इतनी अच्छी वहाँ बिल्डिंग थी और एक होली रैलिक वहाँ था, हमें बहुत दुख है इस बात का कि ये फायर से घट हो गया जी। मतलब आग की वजह से ख़त्म हो गया। लेकिन अब इस पर ये सोच लेना कि ये किसी ने, मैं अगर ये सोचूं
ये मुफ्ती साहब के आदमी ने आग लगवाई है वहाँ हालात ख़राब करने के लिए, या फरूक साहब के आदमी ने आग लगवाई, ऐसी बात नहीं। मतलब इस बात को मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सीडेंटल फायर है जी। और इस बात पर लोगों के सेंटीमेंट की कदर होनी चाहिए। जो लोगों को खामखा मिसगाइड करते हैं, लोगों ने उसका रिएक्शन भी किया, क्योंकि लोग उन लोगों को उन्होंने रिएक्ट किया जो लोगों को खामखा मिसलीड करते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं जी। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो इसकी जो फायर इंसिडेंट है, इस पर किसी आदमी ने ये नहीं करना चाहिए, लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए, ब्लेम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि उसका कसूर है। इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में जो भी आता है उस पर ऐसे अगर कोई आदमी ये इंक्वायरी में आता है कि इस आदमी का कसूर है या इस ऑफिशियल का कसूर है, ये शुड बी टेकन टू टास्क, उसमें कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो वैली में हड़ताल हुई, कल मैं श्रीनगर से आया, तो ये पहली बार ऐसी हड़ताल थी जो किसी को मतलब दिली तौर पर दुख था कि ये इतनी अच्छी श्राइन, इतनी जिस पर हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग थे, सिख ईसाई सभी मानते थे इस बात को, तो उनके फीलिंग्स को हर्ट हुआ है, इसलिए हड़ताल थी। मैं इस हड़ताल को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि अगर ये हड़ताल आगे भी बढ़ाते हैं वो, तो जो हमारे टूरिस्ट या हमारे अमरनाथ यात्री जा रहे हैं, मैं कश्मीरी आवाम से अपील करूंगा, कश्मीर की लीडरशिप से अपील करूंगा कि उन लोगों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। कल मैं डल गेट गया तो वहाँ क्या देखा कि कर्फ्यू की वजह से दुकानें शटर बंद थे, लेकिन दुकानदारों ने इतनी बेचारों ने वो सिम्थी की कि टूरिस्ट को रोटी देने के लिए शटर बंद किया और अंदर से उन्होंने रोटी सप्लाई की। तो इसी तरह कश्मीर में ये भी सोच होनी चाहिए कि जो लोग उनके मेहमान के तौर पर आए हैं, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के यात्री हैं, उनका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ तक सवाल है इनकी, आपने जैसे पंचायत की इलेक्शन की बात की, अब देखें हमने 30-35,000 लोग जो हैं इन्वॉल्व कर दिए पंचायत इलेक्शंस में। पंचायत इलेक्शन के बाद आपने पहले भी एक दिन यहाँ प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें भी यही कहा कि भाई जिनको इलेक्ट किया है आपने उनको पावर दो, ताकि वो कम से कम बाकी नहीं अपना आप तो प्रोटेक्ट करें। आज सरपंचों पंचों की हालत ये बना दी गई है कि हमने उनको मिलिटेंटों के हवाले कर दिया है और वो पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं उनको कि भाई आप इस्तीफा दे दो। तो इस बात का गवर्नमेंट ने सीरियसली सोचना चाहिए और गवर्नमेंट ने कोई इकदाम लेने चाहिए जिनसे उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन हो। कोहली साहब जी, बिल्कुल कोहली साहब, अगर हम देखें तो आप सत्तारूढ़ जो यहाँ पर गठबंधन है, एक सहयोगी दल के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो आपका क्या मानना है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और मजबूती देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मैडम एक पहले उससे पहले मैं एक बात कहूँगा, जो हमारी पीर दस्तगीर साहब की ज्यादा जली है, ये हजरत हम उनको गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं, शेख गुलाम उनका नाम था, अब्दुल कादर जीलानी इनका। मुझे श्रीनगर में ये बताया गया कि कोई भी जो वर्कर होता था ना, स्किल्ड अनस्किल्ड, जब वो अपना काम शुरू करते थे, दुकान खोलते थे, अपना दिहाड़ी का काम करते थे, पहले दस्तगीर मतलब ऐसा उनका मानना। उनका मकाम जो है सिर्फ कश्मीर में नहीं है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इनकी मान्यता है। यानी जहाँ तक ये हमारे वली ज़ियारतें खानकाएं हैं ना पूरी दुनिया में, उन सब के ये हेड हैं जी। तो इनका दुख होना कुदरती बात है, मुसलमान कहीं भी दुनिया में हो, मैं तो समझता हूँ अगर कहीं दूसरे मुल्कों में भी इस बात का चर्चा होगा, वहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे इस ज़ियारत की इतनी मान्यता। और भी ज़ियारतें हैं, उनका वो मकाम नहीं है जो इसका है। हालांकि आपने सुना था चरार शरीफ की ज़ियारत भी जली जी। उनका मकाम कश्मीर तक महदूद हो सकता है, हिंदुस्तान तक महदूद हो सकता है, लेकिन इस ज़ियारत का जो वहाँ रैलिक था पूरी दुनिया में उनकी मान्यता है, इतना बड़ा मकाम था। तो उस ज़ियारत के जलने से हर आदमी को, खासकर मुसलमानों को कहीं भी हो, बड़ा दुख है। और उन्होंने ठीक कहा कि वो बगैर किसी लपट के, बगैर किसी पॉलिटिक्स के, जो गल वहाँ स्ट्राइक हुई हुई है। अब आपने कहा कि यहाँ एनसी और कांग्रेस की हुकूमत है जी।
हमारे जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने बिल्कुल ओपनली कहा कि जब पंचायत बनी है इनको पूरे इख्तियार दिए जाएं। आर्टिकल 73 और 74 की बात है, मैनिफेस्टो में भी ये वादा किया था। गलाम नबी आजाद साहब का कल का बयान भी है, सो साहब जहां जहां जाते हैं वो भी ये कहते हैं। और जबकि पिछले दिनों में कांग्रेस डेलीगेशन हुआ जहां दिल्ली के हाईकमांड के नेता भी आए थे और हमारी स्टेट के सब कांग्रेसी नेता वहां शामिल थे, वहां ओपनली कहा गया कि इनको पावर मिलने चाहिए। अब बदकिस्मती यह है कि कोलेशन में कभी कभी ऐसा है कड़वा घोंट भी पीना पड़ता है, लेकिन ये जो घोंट है इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ठीक नहीं जा रहे हैं हमारे लिए, कांग्रेस के लिए भी जा नहीं जा रहे। मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान कोई ना कोई जरूर इस बारे में फैसला करेगी ताकि पंचायतों को एम्पावरमेंट बनाने के लिए जो ये आर्टिकल्स हैं, जो भी इनमें मॉडिफिकेशन हो या जो भी उनको इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, जब तक वो नहीं करेंगे इसका मकसद पंचायत का बिल्कुल फजूल है। हद ये है, पूरे हिंदुस्तान में वो तौर तरीका चल रहा है, सिर्फ कश्मीर में नहीं चल रहा है, इसकी वजह क्या है ये तो एक अजीब सी बात जी, जो गलत बात है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल गलत बात जी। कुल साहब, मेरा प्रश्न था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और मजबूती के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए यहाँ पर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देखिए, इस जो कोलिशन है जी, ठीक है ना, जिस ढंग से चल रही है मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई स्टेबिलिटी बन रही है, सीधी बात है। कांग्रेस का वर्कर अपना